सो हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी एप स्टडी विद गेम्स से स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29, जो कि क्लास 9th का सब्जेक्ट है हिंदी और डेटेड है 15 सितंबर 2021। तो ये आपकी क्षितिज की बुक का पार्ट 2 है, लहासा की ओर। प्यारे बच्चों, लहासा की ओर पार्ट 1 यात्रा वृतांत है, जिसे राहुल सांकृत्यान जी ने लिखा है। उन्होंने अपनी तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है, जिस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसे किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है और उन्होंने अपनी तिब्बत की जो जर्नी थी वो हमारे साथ शेयर की है। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। फरी कलेड़पूर्ण का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियों और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। तो चाय पीने के लिए ठहरे थे, तो तिब्बत के कुछ यात्रियों के लिए तकलीफ़ें भी थी, आराम भी था। कुछ बात वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और ना औरतें पर्दा करती थी। बहुत निम्न श्रेणियों के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते थे। तो बोले थे राहुल सांकृत्यायन जी कि वो नेपाल जाने का एक मुख्य रास्ता था। फरी कलेड़पूर्ण का रास्ता जब नहीं खुला था तो तिब्बत के रास्ते से वो लोग जा रहे थे। तो तिब्बत मतलब कि सैनिक ही रास्ता था, वहाँ पे हिंदुस्तान की चीज़ें भी वहीं से जाती थी, नेपाल की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की चीज़ें भी वहीं से जाती थी। सैनिक ही रास्ता था और इसलिए जगह जगह फौजी थे, फौजी की चौकियाँ थी और किले बने हुए थे। वहाँ पे कभी चीनी पलटन रहती थी तो कभी हिंदुस्तानी पलटन। तो आजकल बहुत से फौजी मकान जो है वो गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा कर लिया था, वहाँ कुछ घर तो आबाद दिखाई पड़ते हैं, मतलब कि आबाद समृद्ध दिखाई पड़ते हैं और कुछ लोग गरीब। तो वहाँ पे छुआछूत जाति पाति का तो सवाल ही नहीं था, और औरतें भी पर्दा नहीं करती थी। और बट कुछ श्रेणियों की भिखमंगों के चोरी के डर से लोग उन्हें घर के अंदर नहीं आने देते थे। तो लेखक, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? तो कहाँ की यात्रा के लिए निकले थे लेखक? तिब्बत की। नेक्स्ट देखिए, रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक भी था, सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता चलता है? तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो ये रास्ता व्यापारिक रास्ता कैसे था? तो ये देखिए, यहाँ इस रास्ते से नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की चीज़ें इसी रास्ते से जाया करती थी, इसीलिए यह व्यापारिक रास्ता था। तो आप लिख देंगे, तिब्बत के यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी? तो तिब्बत के यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी? तो ये देखिए, तो वहाँ पे चाय के लिए बहुत अच्छी जगह होती थी, और वहाँ पे किसी को किसी पे शक भी नहीं होता था, जाति पाति का भी कोई सवाल नहीं था। तो ये आप 2 पॉइंट लिख देंगे। प्रश्न 4 है, बहुत निम्न श्रेणियों के भिखमंगों के लोग को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? चोरी के डर से नहीं आने देते थे। नेक्स्ट देखिए, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार में लिखे। तो आप किस कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं? जैसे कि आप ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन में आपको सीट नहीं मिलना या फिर कभी आप खाना भूल गए होगे, तो ऐसे ही आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। प्रश्न 4 देखिए, व्यापारिक शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। तो व्यापार
एक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। एक मिनट, सॉरी, व्यापार प्लस एक, ये हो जाएगा आपका रियल आंसर। तो ये थी वर्कशीट, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।